आज का हमारा टॉपिक है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हम देखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें पता है हम किसे कहते हैं, जब हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन होता है, यानी जो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी, जो रैंडम वेरिएबल की हमारे पास वैल्यूज होती हैं और हर वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज आती हैं, उन प्रोबेबिलिटीज को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। क्या है कहते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है जिसे हम एफ ऑफ एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जब फंक्शन है, जब हम उसे कहते हैं कि इसे हम इंटीग्रेट करते हैं लिमिट पर और ये हमारे पास क्या हो, 1 के बराबर आए, तो हम कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यानी रैंडम वेरिएबल की कि वो हमारे पास क्या है कि वो लेस देन लेगा या इक्वल टू लेगा हमारे एक्स यानी किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से, जो लेस वैल्यूज हम एक्स की होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होती हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ एक्स से। जब हम बात कर रहे हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए, तो हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। उस केस में हम इसे कैसे लिखते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है उसको हम कैसे लेंगे कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी हमारे पास रिप्रेजेंट किसे कर रही है, रिप्रेजेंट करती है जो हमारे पास लो लिमिट है, लो लिमिट जो हमारे पास कंटिन्यूस में लग रही होती है उसे रिप्रेजेंट कर रही है एक्स को। क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं क्यूमुलेटिव में देख रहे होते हैं कि एक्स से जो छोटी छोटी यानी जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वहां तक जो वो वैल्यू लेगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम x लिख रहे हैं f of t जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास फंक्शन को, किस फंक्शन को, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है pdf को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है कोई फंक्शन गिवन हो तो हम लोग उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अपना कैसे मालूम कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास पीडीएफ है तो हम लोग, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें गिवन है तो हम लोग अपना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम देख सकते हैं कि हमें क्या है, हमें एक पीडीएफ जो है गिवन है। यहाँ से हमें पता चल रहा है इंटरवल, क्योंकि हमारे पास है कि ये क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो ये हमारा क्या होगा, ये ऑब्वियसली हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। हमें क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों ने क्या मालूम करना है, हमने इस पीडीएफ का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकालना है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग जो इसकी डेफिनेशन है उसी को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ टी और डी ऑफ टी। इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एफ ऑफ टी चाहिए। एफ ऑफ टी हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स गिवन है वो हमारे पास क्या है, एक्स बाय 8। इसमें हम एक्स की जगह क्या करेंगे, हम एक्स की जगह टी को पुट कर देंगे। क्या करेंगे, एक्स की जगह हम टी को पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी बाय 8। ये आ गया, इसको अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम इसमें पुट कर देंगे विथ लिमिट्स, जबकि माइनस इन्फिनिटी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और x हमारे पास x ही रहेगा। तो जब हम इसे पुट करेंगे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हम लोग इसको लिख लेते हैं 0 से x और हमारे पास आ गया t डिवाइडेड बाय 8 और d ऑफ t आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले जाएंगे और फिर टी को जो है इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हम इसको करके लिख लेते हैं, हमने 1/8 कांस्टेंट को बाहर ले गए तो हमारे पास क्या हुआ, अंदर टी और डी ऑफ टी बच गया। जब हमने उसे इंटीग्रेट किया बिल्कुल वैसे ही हमने पावर रूल यूज़ किया है, हमारे पास यहाँ पावर 1 थी तो हमने जब 1 को ऐड किया 1+1 2 बन गया और नीचे भी हमारे डिनोमिनेटर में जो पर पावर होती है उसी से हम डिवाइड करते हैं तो 2 लिख दिया। हमारे पास लिमिट्स हमने यहाँ पर लिख दी हैं x और 0, हम इन लिमिट्स को इसमें पुट कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमने लिमिट्स को पुट कर दिया है तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 आया है, क्योंकि हम जब 0 को पुट करेंगे डिवाइड 2 करेंगे तो 0 पे कोई भी चीज़ डिवाइड हो वो क्या आती है, 0 आती है, तो हमने इसको 0 लिख लिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय
16, यानी ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा f of x जो है वो हमारे पास आ गया है, जब हमारा x जो है वो किसके दरमियान में है, 0 और 2 के दरमियान में जब हमारे पास लाए कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ये f of x आ गया है. हम cumulative distribution function को जैसे लिखते हैं, अब हम उसको ऐसे लिखेंगे, तो हम उसको लिखते हैं, f of x को लिखने के लिए हमें पता है f of x की वैल्यू जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और उसने एंड कहाँ पर होना होता है, 1 पर. और हमारे पास 0 इसकी वैल्यू तब होती है जब हमारे पास जो लोअर लिमिट है उसके बाद ये डिफाइन ना हो. तो हम क्या कहेंगे कि अगर x जो है 0 हो जाएगा, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास x जो है अगर लेस देन 0 हुआ तो हमारा फंक्शन जो है ये वाला वो डिफाइन नहीं होगा. अगर हमारे पास, अब दूसरी हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से 2 तक है, इसको हम लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास x by 16 होगा cumulative distribution जब हमारे पास 0 less than x और x जो है वो 2 है, क्योंकि हमारे पास 0 से 2 तक जा रहा है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे. और हमारे पास फंक्शन 1 कब होता है, हमारे पास फंक्शन 1 तब होगा जब हमारे पास x की अगर हम वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे, तो हमारे पास f of x 1 हो जाएगा. तो ये हम लोगों ने इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, cumulative distribution function आ गया. इसके अलावा cumulative distribution function को हम कैसे use कर सकते हैं, इसको भी हम देखते हैं एक example के जरिए. कि देखें, अगर हमें कहा जाए कि आप probability मालूम करें, to let's suppose ये हमारे पास एक दिया हुआ x जो है वो 3, हमारे पास दिया हुआ है कि आपने ये वाली वैल्यू मालूम करनी है, और मालूम किससे करनी है, f of x से. अगर हमें cumulative distribution function यूज़ करना हो, तो हम इसे कैसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारी जो डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी की, हम हमेशा लिखते हैं लार्ज लिमिट मैक्सिमम लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x is less than equal to 2. ये आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम जब हम पुट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया. तो ये चीज़ हमें पता है किसके बराबर होती है, अगर हम इसे कंपेयर करें, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि जैसे हमारे पास f of x है, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x. अगर हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ करें और इन दोनों को लिखें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा कि f of 3 माइनस f of 2, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास f of 3 माइनस f of 2 आ गया, हम लोग जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है ये वाला, इसमें हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. हम इसमें अगर इसकी वैल्यू को पुट करें, तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर दें, यानी 3 स्केयर डिवाइडेड बाय 16 माइनस क्या आ जाएगा, 2 स्केयर डिवाइडेड बाय 16, इसको हम सॉल्व करके लिखें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 बाय 16 माइनस 4 बाय 16. एलसीएम ले लें, एलसीएम हम कैसे, डिनोमिनेटर क्योंकि हमारे पास सेम है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, डिनोमिनेटर सिंपली हमारे पास सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 बाय 16. क्या आ गया, 5 बाय 16, यानी प्रोबेबिलिटी के जो x है वो वैल्यू 2 और 3 के दरमियान में ले रहा है इंक्लूसिवली, यानी इंक्लूसिवली का मतलब है कि 2 और 3 भी इन्वॉल्व थे, तो हमारे पास क्या है, 5 बाय 16 आ गया. तो आज के हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास cumulative distribution function जो है वो किस तरीके से probability density function से लिंक है, probability density function से हम कैसे cumulative निकाल सकते हैं, और उसको हम probability निकालने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.